नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा सह आचार्य भौतिक शास्त्र राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको इसके जो अलग अलग तरीके से जो इसको समझाया गया है और किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया गया है डिफरेंट तरीके से, जिससे आपको ये पता चले कि जब आप अलग अलग प्रकार की बुक्स पढ़ते हैं या अलग अलग ऑथर्स से आप इसी सेम आर्टिकल को पढ़ते हैं तो किस प्रकार से प्रेजेंटेशन में डिफरेंस आता है और किस तरह से बेहतर प्रेजेंटेशन होता जाता है। ये वाला जो आर्टिकल है इंग्लिश मीडियम में बनाया हुआ है, मैं साथ में हिंदी में आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाता रहूँगा। वैसे आपने जो लेक्चर समझाया था पिछला वो पूरा हिंदी में समझाया हुआ था, तो ये कुछ चीज़ें हैं चूँकि आपके जो मटेरियल होता है इंटरनेट पे जो इंग्लिश मीडियम में ही बेहतर मिलता है, तो इसको मैंने कलेक्ट करने का प्रयास किया है जिससे आपके इस एक्सपेरिमेंट को एनरिच करने में या इसके कंसेप्ट को समझने में बहुत सहायक होगा। जैसे पहला आर्टिकल जो है हाइपर फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स बाई आर नवे के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें ये लाइक एज ए पीपीटी स्लाइड्स फॉर्म नहीं होकर पीडीएफ में स्लाइड्स बनाई हुई होती हैं एक तरह से, तो ये काफ़ी अच्छी प्रकार से हाइपर फिजिक्स जो है क्वांटम फिजिक्स जो पार्ट है इसका आर नवे के द्वारा जो तैयार किया गया है। यहाँ जिस प्रकार से अपन देख रहे हैं, जैसा हमने देखा था 1914 में जेम्स फ्रैंक एंड गुस्तेव हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट को इसको परफॉर्म किया और इन्होंने प्रूव क्या किया, एग्जिस्टेंस ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स इन मरकरी एटम्स। क्या सिद्ध किया इन्होंने, एग्जिस्टेंस ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स इन मरकरी एटम्स। और आपके पास में जो ये स्टेट्स होती हैं मरकरी एटम्स की, जो इंटरनल एनर्जी की स्टेट्स होती हैं वो डिस्क्रीट होती हैं, और इसको इन्होंने यहाँ पर प्रूव किया, हेल्पिंग टू कन्फर्म द क्वांटम थ्योरी विच प्रेडिक्टेड दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड ओनली डिस्क्रीट। That is the very important point. Electrons occupied only discrete quantized energy states. Electrons occupied only quantized energy states. Okay, जो एक सामान्य क्वांटम मैकेनिक्स का जो परिणाम होता है वही परिणाम यहाँ पर सिद्ध किया गया। Electrons are accelerated by a voltage towards a positively charged grid इन ए ग्लास एनवलप। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था एक ग्लास एनवलप है, इसमें मरकरी या किसी दूसरे जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, नियोन हो सकता है, उसकी गैस या वेपर होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होते हैं वो मरकरी एटम्स या हाइड्रोजन एटम्स या जो भी आपने नियोन ले रखा है उनसे उनकी कोलिजन होती है। ओके, और इस प्रकार से यहाँ पर जो हमने देखा था यहाँ एक पोटेंशियल अपने दे रखा है जिससे इसको एक्सेलरेशन मिलता है, एक पोटेंशियल प्लेट को दे रखा है जो इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल की तरह से काम में आता है। V1 और V2 उसकी कंडीशन भी हमने देखी थी कि वो काफी कम दिया। पास्ट द ग्रिड वाज कलेक्टेड बाय कलेक्शन प्लेट एट स्मॉल नेगेटिव वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू द ग्रिड। द वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वेयर द करंट ड्रॉप्ड गेव ए मेजर ऑफ द एनर्जी नेसेसरी टू फोर्स एन इलेक्ट्रॉन टू एन एक्साइटेड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो तब ये पॉसिबिलिटी होती है, इसको अपन ने पीछे एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पर देखिए कलेक्टेड करंट वर्सेस एक्सेलरेटेड वोल्टेज, और ये पीक्स को अपन ने डिफाइन किया था कि जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे तब पहली होती है, और इसी प्रकार से 4.9 वोल्ट के मल्टीपल में ये पीक्स बनते हैं जो अपन पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को इन्होंने समझाया हुआ है किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट वर्क करता है, जहाँ ये देखिए 4.9 वोल्ट वाला जो इसको भी यहाँ पे बताया, यहाँ इस चीज को एक बार अपन देख लेते हैं। चलिए इस एक्सप्लेनेशन को एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड एंड द कलेक्टेड करंट राइजेज विद एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। अपन देख रहे हैं यहाँ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज राइज हो रहा है, करंट बढ़ रही है, फिर यहाँ एक जाकिने के पश्चात यहाँ एक वापस से कम होती है, मतलब ड्रॉप शुरू होता है, इसका कारण क्या है।
As the Frank-Hertz data shows that when accelerating voltage reaches 4.9 volt, the current sharp drops, indicating the sharp onset of a new phenomena which takes enough energy away from the electrons that they cannot reach the collector. This drop is attributed to inelastic collision between the accelerated electrons and the atomic electrons in the mercury atoms. जैसा मैंने lecture में बताया था कि जो आपके electron और Hg atom है उसमें जो inelastic collision होती है उसकी वजह से वो अपनी energy मर्करी एटम को दे, मर्करी एटम्स जो होते हैं आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। मर्करी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके मर्करी एटम्स जो है वो आपके मर्करी एटम एक्साइटेड स्टेट जो है में पहुंचने से वहां पे उसको उतनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स इट्स एनर्जी टू मर्करी एटम्स एंड मर्करी एटम्स जो है वो आपके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते हैं। द सडन ऑनसेट सजेस्ट दैट मर्करी इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एक्सेप्ट एनर्जी अनटिल इट रीचेस द थ्रेशोल्ड फॉर एलिवेटिंग देम टू एन एक्साइटेड स्टेट। मर्करी इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एक्सेप्ट एनर्जी अनटिल इट रीचेस द थ्रेशोल्ड फॉर एलिवेटिंग देम एन एक्साइटेड स्टेट। दिस 4.9 volt excited state corresponds to a strong line in ultraviolet emission spectrum of mercury at 254 nanometer. That is very important point. Ultraviolet emission spectrum of mercury at 254 nanometer, a 4.9 electron volt photon. Drops in the collected current occur at multiple of 4.9 volts since an accelerating electron which has 4.9 electron volt of energy removed in collision that I explained in last video, this energy removed in collision can be re-accelerated to produce other such collisions at multiple of 4.9 volts. And this experiment was a strong confirmation of idea of quantized atomic energy levels. Quantized atomic energy levels. Okay. Sketch of Frank-Hertz experiment. ये हम देख चुके हैं. Heated cathode होता है. यहाँ आपके पास में grid और इसके बीच में voltage potential आपने apply किया है. Plate और grid के बीच में apply किया है. तो इस प्रकार से अच्छा सा फिगर, वेल लेबल्ड फिगर आपको दिखाया हुआ है, समझाया हुआ है यहाँ पे। तो इस प्रकार से फिगर आपका वेल लेबल्ड होना चाहिए जिसमें सभी चीजें लिखी भी हो, और चूंकि कंप्यूटर वगैरह में ये जो पार्ट्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल भी होते हैं तो इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये फिगर वही है जो अपन बार बार समझ चुके हैं। ये देखिए जैसे डिस्प्ले कंप्यूटर में इसको जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसका जब डिस्प्ले लिया गया तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वर्सेस करंट जो है ये ग्राफ जो है यहाँ पर सीआरओ पे दिखाया गया 2 वोल्ट्स पर डिवीजन के हिसाब से। डिस्प्ले आपका कंप्यूटर पे भी हो सकता है, सीआरओ पे भी हो सकता है, डिफरेंट डिस्प्ले की पॉसिबिलिटी हो सकती है जो आपके पास में इक्विपमेंट जो आपके लेबोरेटरी में अवेलेबल है, सीआरओ है या कंप्यूटर है, किस पे आप ये ले रहे हैं। Frank-Hertz data for neon. Neon gas के लिए अगर अपन देखें तो देखिए कि कितना है 18.7 volt. आपके मर्करी के लिए 4.9 था, हाइड्रोजन के लिए 10.2 volt होता है और neon के लिए 18.7 volt होता, तो आप इससे याद कर सकते हैं। और आप जब इनको तीनों डेटा को लिखते हैं कहीं तो आपके लिए मार्क्स की इम्प्रूवमेंट की संभावना बढ़ जाती है और ये बड़ा आसान सा होता है कुछ चीजों को याद रखना। तो इन चीजों को अगर अपन अलग अलग बुक से या इस तरह से किसी चीज को एनरिच करते हुए पढ़ते हैं उसमें मेहनत थोड़ी अधिक होती है, तो भी कि स्टूडेंट ज्यादा ध्यान नहीं दे, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो इस आर्टिकल को बहुत ध्यान से देखें। वीक स्टूडेंट्स और नॉर्मल स्टूडेंट्स कंटिन्यू जो मेरे वीडियोज है उनको देखते रहें,
इसको समझने में मतलब देखना कोई वैसा नहीं है, पर ज्यादा चीजें अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आप याद नहीं रख पाएंगे। तो वीक स्टूडेंट्स नॉर्मल वीडियोस पे ही चलते रहे, ये इस इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए वीडियो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। नियॉन गैस के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपके 18.7 वोल्ट दे रखा है, देर आर अबाउट 10 एक्साइटेड लेवल्स इन रेंज। ये देखिए यहाँ पे ये बता रखा है, नियॉन एक गैस होती है, द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन प्रोड्यूसेस विजिबल एविडेंस व्हेन द एक्सीलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन टू अपर स्टेट्स, दे डी एक्साइट इन सच ए वे एज टू प्रोड्यूस विजिबल ग्लो। If the gas region in which the excitation is taking place, there are about 10 excited levels in the range, 18.93 to 19.5 electron volt. They de-excite by dropping a lower state at 16.57 and 16.79 electron volt. This energy difference gives light in visible range. Since the accelerated electrons undergo inelastic collisions with neon and are then accelerated again, they can undergo a series of such collisions. If the accelerating voltage is high enough, the accelerating voltage from the Frank-Hertz expanders used to produce the pitcher bars capable of producing an accelerating voltage of about 80 volt. So you could get up to 4 collisions. This can be seen under proper conditions as 4 bands of light from the de-excitation in the collision regions. The Frank-Hertz display of neon shown at left. Again, this may be on CRO, this may be on computer as your experiment part. Okay, XY plot is shown. The measured separation of the peak corresponds to about midpoint and the range of excitation energies of the involved neon transitions. Frank-Hertz experiment जो है इस प्रकार की ट्यूब होती है, देखिए जहां एनोड है, ग्रिड है, कैथोड है, आप ये देखिए इस प्रकार से ये ग्लास ट्यूब जो वैक्यूम क्रिएट होता है, ये पूरा का पूरा पार्ट इसके अंदर होता है और ये इस प्रकार से दिखाई देता है। तो आपके पास में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जब हम लेक्चर्स देखते हैं या समझते हैं या हम डिलीवर करते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ हमारे पास में मटेरियल ऐसा होता है जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट होता कैसा है और स्टूडेंट जब अपनी आंखों से देखता है तो प्रैक्टिकली वो उसको भूलता नहीं है और वो काफ़ी कुछ चीज़ें उसको याद रहती हैं और बहुत अधिक क्लैरिटी भी आ जाती है किसी भी चीज को समझने के लिए कि किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट का सेटअप होता है, क्योंकि लैबोरेटरीज में बहुत लिमिटेड सेटअप्स होते हैं अपने। आप नॉर्मली अपनी बीएससी क्लास में तीनों क्लासेज मिला के 45 to 50 एक्सपेरिमेंट्स के सेटअप ही देख पाते हैं, बाकी जो वास्तविक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके कैसे सेटअप्स होते हैं, क्योंकि आप थ्योरीज में तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, थ्योरी के पेपर में तो आप काफी एक्सपेरिमेंट्स काफी थ्योरेटिकल चीजें पढ़ते हैं, वैसे वास्तव में होता क्या है तो आप इस प्रकार से कंप्यूटर पे अलग अलग आप कंप्यूटर में मोबाइल पे भी देख सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू आप उसको आसानी से सर्च करके अलग अलग चीजों को आप समझ सकते हैं और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये फोटोग्राफ दिया हुआ है वैक्यूम ट्यूब का है, यूज फॉर फ्रैंक-हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट in instructional laboratories. There is a droplet of mercury inside the tube although it is not visible in photographs. Cathode assembly. The cathode itself is hot and glow orange. It emits electrons which pass through the metal mesh grid and are collected as an element electric current by the anode. The theory is same. फ्रैंक-हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट को फिर से यहाँ पे समझाया हुआ है, वही चीज़ें ही दूसरा आर्टिकल जिस प्रकार से ये विकिपीडिया से पार्ट लिया हुआ है, विकिपीडिया में एक नॉर्मल वे में चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है, परंतु विकिपीडिया की जो जो टॉपिक या आर्टिकल दिया हुआ तो वो सही है या गलत है ये जरूरी नहीं होता, तो इस चीज़ को आप लोगों को सोच समझ कर यूज लेना होता है। तो मैंने सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए इसको शो किया है,
काफी कुछ अच्छी चीजें भी दी हुई होती, सारी गलत नहीं होती, कुछ संभावनाएं होती जो इसको कोई भी एडिट कर सकता है। तो इसके लिए आप सतर्क रहें, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो है क्वांटम नेचर ऑफ एटम्स क्या शो कर रहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट टू क्लियरली शो द क्वांटम नेचर ऑफ एटम्स, इट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और क्वांटम नेचर ऑफ एटम्स को शो कर रहा है, दस ट्रांसफॉर्म्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड। ओके, जर्मन फिजिसिस्ट थे ये, वैक्यूम ट्यूब, इलेक्ट्रॉन्स, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, ये सब चीज हम पहले मेंशन कर चुके हैं। दीज एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट प्रोवाइडेड टू बी कंसिस्टेंट विद बोर्स मॉडल ऑफ एटम दैट हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द प्रीवियस ईयर्स ऑफ नील्स बोर। ओके, द मोर मॉडल वाज ए प्रीकर्सर फॉर क्वांटम मैकेनिक्स एंड of the electron shell model of atoms. Its key feature was that an electron inside an atom occupied one of the atom's quantum energy levels. Okay? In second paper, there are many kinds of research papers written by scientists. He wrote in second paper, light emission by the mercury atoms that had absorbed energy from collisions. They showed that wavelength of this ultraviolet light corresponds to exactly 4.9 electron volt of energy that the flying electron had lost. Okay. In 1925, Nobel Prize in Physics awarded to Frank and Hertz for this experiment. And the laws governing the impact of electron upon an atom. Impact of atom upon an atom. What are the contents? How you can write? किस प्रकार से किसी चीज को लिखा जा सकता है? Experiment क्या है? Modeling of electron collisions with atoms है. Early quantum theory है. Experiment with neon है. References है जहाँ से पार्टिकल्स को लिखा जाता है, फर्दर रीडिंग है, आप क्या पढ़ सकते हैं, क्या इस तरह से, तो ये सब चीजें जब पीजी वगैरह में आप जाएंगे तो किस तरह से आप स्टडी को एनरिच करते हैं, बुक से बाहर निकलते हुए, रिसर्च पेपर से, डिफरेंट रेफरेंस बुक से, डिफरेंट आर्टिकल से, ये सब चीजें हम पहले कर चुके हैं, तो इसमें हम बहुत कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, इसको हम कंटिन्यूटी में आगे देखते हुए आप इसको स्टडी कर सकते हैं। काफी कुछ चीजें जो मैं अधिकतर चीजों को एक्सप्लेन कर चुका हूं, वही चीजें यहां पर दोबारा से समझाएंगे। यहां एक जो कुछ रिजल्ट्स हैं इनको एक बार समझा देता हूं, चूंकि मुख्य रूप से जो रिजल्ट्स हैं, द ग्राफ्स पब्लिश्ड बाय फ्रैंक एंड हर्ट्ज, सी फिगर, वेवलेंथ इन नैनोमीटर, ओके, शो द डिपेंडेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द एनोड अपॉन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द ग्रिड एंड द कैथोड। ये कर्व, ये वाला कर्व जो अपन, हाँ, अपन ने काफी बार इसको देख चुके हैं, एट लो पोटेंशियल डिफरेंस अप टू 4.9 वोल्ट्स द करंट थ्रू द ट्यूब इंक्रीज्ड steadily with increasing potential difference. The behavior is typically is two vacuum tubes that do not contain mercury vapor. Larger voltage lead to larger space charge limited current. Larger voltages lead to larger space charge limited current. At 4.9 volt, the current drops suddenly sharply almost back to zero. Okay, the current then increases steadily again. Once as the voltage increased further, 9.8 volt is reached, exactly the same thing, sharp drop, while it is not evident in the original measurements of the figure. This series of drop in current at approximately increments continue to potentials of at least 70 volts. Okay.
Frank and Hertz noted in their first paper that 4.9 electron volt characteristic energy of their experiment corresponded well to one of the wavelengths of the light emitted by mercury atoms in gas discharge. They were using a quantum relationship between the energy of excitation and the corresponding wavelength of light, which they broadly attributed by Jones Stark and Arnold Sommerfeld. It predicts that 4.9 electron volt corresponds to light with 254 nanometer wavelength. 4.9 electron volt corresponds to 254 nanometer. The same relationship was also incorporated in Einstein's photon theory photoelectric effect. In second paper, they reported that the optical emission from their tubes, which emitted light with a single prominent wavelength, 254 nanometer. The figure at the right shows the spectrum of Frank-Hertz tube. Nearly all the light emitted has a single wavelength. For references, the figure also shows the spectrum for mercury gas discharge light, which emits light at several wavelengths besides 254 nanometer. Okay, the figure is based on the original spectra published by Frank-Hertz in 1914. The fact that Frank-Hertz tube emitted just single wavelength corresponding nearly exactly to the voltage period they had measured was very important. How we model the collision between electron and mercury? Okay, electron and mercury elastic collision, and electron and mercury inelastic collision, light emission. Okay, when mercury goes to unexcited states, atoms. Elastic and inelastic collisions with mercury atoms. Electrons traveling slowly changes direction after elastic collision but do not change their speed. Faster electrons lose most of their speed in inelastic collision. The lost kinetic energy is deposited into the mercury atom. The atom subsequently emits light and returns to its original state. The atom subsequently emits light and returns to its original state. Okay, so this is explained here how elastic and inelastic collisions between electron and mercury, and if there is hydrogen or neon, then between electron hydrogen and electron neon, and the value is different from 4.9 for hydrogen, 10.2, and for neon 18.7 electron volt. Okay, so you can understand here is electron binding energy, classical energy, and quantum energy levels. This is vacuum and how discrete levels are shown here. You can understand easily. Experiment with neon. In neon, 18.7 volt. Okay, same thing is explained here. 18.7 electron volt. And here you can see the two atomic levels lying between 16.6 to 18.7 electron volt. The lowest levels, electrons excited to the 18.7 electron volt level fall to the 16.6 electron level with concomitant orange light emission from 18.7 to 16.6. There is emission of concomitant orange light. These are the references from this article is written. Kis prakar se article ko likha jata hai, alag alag references hain. Yahan se aap samajh sakte hain reference kya hota hai. Inko click karke aap dekh bhi sakte hain. Further reading hai. Kis prakar se aap isko enrich kar sakte hain. Further reading ka matlab aap is cheez ko aur samajhna chahein to kis prakar se aap jo actual literature hota hai, papers hote hain jahan se इस आर्टिकल को, इन आर्टिकल्स को लिखा जाता है, तो इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक इस एक्सपेरिमेंट को शॉर्ट रूप में किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट को समझाया जाता है लेबोरेटरी पर्पस से, तो यहाँ पर इसको समझाया हुआ इजीली आप समझ सकते हैं। ओके, क्या क्या पार्ट है देखिए आप, इसमें ओवन है, कंट्रोल यूनिट फॉर पावर सप्लाई है, डीसी एम्पलीफायर है, मर्करी फील्ड फ्रैंक-हर्ट्ज़ ट्यूब है, नियॉन फील्ड फ्रैंक-हर्ट्ज़ ट्यूब है।
ओके, इस प्रकार से थ्योरी दी हुई है, जो चीज अपन समझ चुके हैं उसी को एक्सप्लेन किया, 4.9 वोल्ट और 9.8 वोल्ट जो एक्सप्लेनेशन से वैसे ही कॉलेज इनके द्वारा समझाया हुआ है, उसी प्रकार से फिगर है। यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये नियोन का एग्जांपल भी दिया हुआ, देखिए नियोन वाले एग्जांपल में 18.3 टू 19.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 पी इलेक्ट्रॉन लेवल्स इन रेंज 18.3 टू 19.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दे डीएक्साइट बाय डोपिंग लोअर स्टेट 16.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी डिफरेंस गिवन द लाइट इन विजिबल रेशन। What is elastic collision? What is inelastic collision? That is explained. You can easily understand about that. So, in this lecture, इस लेक्चर में हमने ये समझा कि किस प्रकार से किसी टॉपिक को समझा जाता है हार्ड लेवल पे। अभी आप यूजी लेवल पे जिस प्रकार से एक बुक या दो बुक से पढ़ते हैं, उसको आर्टिकल को अपने तरीके से समझाया हुआ होता है, तो किस प्रकार से अलग अलग लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग आर्टिकल्स में, अलग अलग बुक्स में, या अलग अलग रेफरेंसेज में किस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को इसको समझाने, क्योंकि महत्वपूर्ण पार्ट था, तो आपको ये एक्सप्लेन समझने में भी आसानी होगी, और आगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको किस तरह से पढ़ाई करनी होती है, स्टडी करनी होती है, ये भी एक तरीका आपको पता चले। धन्यवाद दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।